नमस्कार, चलिए चलते हैं गार्डन की सैर कराने और जानते हैं कुछ टिप्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि लकड़ी की राख को फर्टिलाइजर की तरह किस तरह से उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम लकड़ी के कुछ टुकड़े या तो कोयला जलाकर उसे अच्छी तरह से राख बना लेते हैं। इस राख को छन्नी से छानकर मोटा हिस्सा अलग कर देते हैं। अब जानते हैं इस राख में क्या पाया जाता है। जी हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और कई घटक पाए जाते हैं। इसे हम मुफ्त का खाद ही कहेंगे। हाँ, यह हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करें। हमारा पौधा अगर 10 इंच या उससे बड़ा है तो उसे 1 टीस्पून खाद अर्थात राख दे सकते हैं। और हाँ, पौधे अगर छोटे हैं तो बिल्कुल ही आधा चम्मच ही ले, ज़्यादा प्रयोग ना करें। अगर पौधों पर फंगस का अटैक हुआ है वहाँ थोड़ी सी राख लेकर स्प्रिंकल कर दीजिए। 4 से 6 घंटे या तो फिर 12 घंटे तक रहने दीजिए और उसके बाद पौधों को अच्छी तरह से पानी से नहला दीजिए ताकि वह पाउडर पानी से निकलकर नीचे आ जाए। तो क्या होगा, पूरे कीड़े मकोड़े भी नीचे आ जाएंगे और इससे हमारे पौधे स्वस्थ नजर आएंगे। कई बार ऐसा होता है मिर्ची टमाटर जैसे पौधों पर फूल तो नजर आते हैं किंतु झड़ जाते हैं। कहीं कीटक नजर आते हैं तो वहाँ भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर हम पौधों के लिए कंपोस्ट यूज करते हैं तो कंपोस्ट में भी हम 1 चम्मच मिला लेते हैं। अगर हमने कंपोस्ट का पहले से ही प्रयोग किया है तो आप डायरेक्ट भी राख का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पौधों पर बहुत सारे फूल खिलखिलाने लगे तो आप फूलों के पौधों पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रयोग हमें महीने में एक बार ही करना है। पौधों में अगर डायरेक्ट राख नहीं देना चाहते तो आधी बाल्टी पानी में 4 मुट्ठी राख मिलाकर पानी को अच्छी तरह से घोल लीजिए और इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके पेड़ों में दे सकते हैं। अब शुरू में हमने जो राख छानने के बाद कोयले का जो मोटा हिस्सा बचा है उसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है तो चलिए जानते हैं। कैक्टस, सकुलेंट्स, अरेनियम जैसे पॉटिंग मिक्स के लिए इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से कोयले से मिलने वाली राख हमारे लिए मुफ्त का खाद तो है ही, किंतु कीटनाशक और फंगीसाइड से भी हमें छुटकारा मिलता है। आप भी इसी तरह से प्रयोग करके आपके पौधों को लहलहाते और हरे भरे देखते रहिए। धन्यवाद।